Hello everyone. Now we are going to start presentation. Presentation is one of the most important topic in our syllabus in class 11th, as well as it also included in the class 12th in the chapter of flower reproduction in flowering plant. तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अभी हम बात करें नीट के एग्ज़ाम की बात करें तो अभी नीट के एग्ज़ाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन आया था, क्योंकि और यहाँ से जो क्वेश्चन आता है नीट में या आपके जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं, मेनली एग्ज़ाम्पल पूछते हैं, आपसे नहीं पूछेंगे प्रेजेंटेंस टाइप कितने हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, आपसे सीधे पूछेंगे, एग्ज़ाम्पल पूछेंगे। टोमेटो, टोमेटो में कौन सा प्रेजेंटेशन होगा, पी प्लांट है, पी प्लांट में कौन सा प्रेजेंटेशन मिलता है हमें, ठीक। तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत पूछा जाता है, और मेनली यहाँ पे एग्ज़ाम्पल आपको बहुत ज़्यादा याद रखना होता है। उसके साथ साथ प्रेजेंटेशन में कोई टाइप ऑफ प्रेजेंटा है तो वो अरेंज कहाँ पे होगी, वैसे जो नेम है वो अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं। तो एक्चुअली स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंटा है क्या। प्रेजेंटा एक क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर है। प्रेजेंटा क्या है, एक क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ओव्यूल, डिफरेंट ओव्यूल्स को कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो हमारे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ ए सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है, जैसे मैंगो की बात कर लें, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे मल्टीपल ओव्यूल प्रेजेंट, जैसे हम बात करें टोमेटो की बात करें वहाँ पे एक से ज़्यादा ओव्यूल प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा वाटरमेलन की बात करें वहाँ भी ओव्यूल बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जितने ओव्यूल प्रेजेंट होंगे उतने सीड फॉर्म होंगे। सेम पपाया की बात करें, ठीक। तो जो इतने लार्ज अमाउंट में ओव्यूल प्रेजेंट है वो किस तरह अरेंज हो रहे हैं, ये सारी बातें हम प्लेजेंटा में पढ़ते हैं। तो प्लेजेंटा क्या हो गया, क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर हो गया जो कि ओव्यूल का कनेक्शन प्रोवाइड करता है। अब इनकी जो अरेंजमेंट है, प्लेजेंटास की जो अरेंजमेंट है वही हमारा क्या होगा, प्रेजेंटेशन हो गया। तो जो यहाँ पे यूज़ किया हुआ है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट यही यूज़ किया कि प्रेजेंटेशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी इज़ नॉन एज प्रेजेंटेशन। तो ओवरी में जो ओव्यूल की अरेंजमेंट है वही क्या है, प्रेजेंटेशन है, क्लियर। और जो एक स्ट्रक्चर है क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर जिसे प्लेजेंटा बोलते हैं वही अरेंज कर रहा है ओव्यूल को ओवरी के अंदर, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं हम डिस्कस करना कि हमारे पास प्रेजेंटेशन में कितने टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ जो है एक डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो कि कितने टाइप की है। एक हमारा हो गया कौन सा, मार्जिनल प्रेजेंटा। यहाँ पे क्या होगा, मार्जिन जो होगा वहाँ पे होगा अरेंजमेंट किसकी, प्रेजेंटा की या ओव्यूल की। यहाँ एक्सियल हो गया, पैरिटल हो गया, फ्री सेंट्रल हो गया, बेसल हो गया। तो ये फाइव काइंड्स ऑफ प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है, फाइव काइंड्स ऑफ प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। इसमें भी आपको बहुत सारे एक्सेप्शन मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हम बात करें यहाँ पे प्लस टू लेवल तक हमें फाइव टाइप पढ़ते हैं, और इन्हीं में सब टाइप ही मिलेंगे हमें लेटर ऑन जब आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जाओगे। तो स्टार्ट करें जो है वन बाई वन इनको डील करना, इनको वन बाई वन डील करना स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हम मार्जिनल से। मार्जिनल में सिंपली जैसे यहाँ हमने डायग्राम यूज़ कर लिया, डायग्राम देखते ही आपको समझ में आ गया वो ये किसकी बात कर रहे हैं, ऐसे प्लांट की जिनमें पॉड प्रेजेंट होती है, जिनमें पॉड प्रेजेंट। जैसे हम बात करें कि हम बात करें पी की बात करें, मटर पी की बात करें, ठीक। वो हमारा क्या हो गया, पाइसन सटाइबम जो है वहाँ पे हमें दिखने को पड़ता है। अब देखने के जैसे हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में आपको दिखाई पड़ जाएगा कि ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है ये मार्जिन आ रहा है, ठीक, मार्जिन आ रहा है, ठीक। एक ये हो गया, एक यहाँ भी हमें दिखाई पड़ेंगे जब पॉड को ओपन करेंगे। यहाँ वन सिंगल पॉड हमें रखी है, हाफ रखा है। अगर कंप्लीट पॉड देखें, पॉड को ओपन करें तो यहाँ से हमें इस साइड भी उतने ही ओव्यूल दिखाई पड़ेंगे, यहाँ भी ओव्यूल दिखाई पड़ेगा और वहाँ भी हमें ओव्यूल दिखाई पड़ेगा इस वे में, क्लियर, अल्टरनेट फॉर्म में। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या, देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जो अटैचमेंट है ओव्यूल्स की वो कहाँ पे है, मार्जिन पे, मार्जिन पे प्रेजेंट है। इसलिए यहाँ पे हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन कौन सा हो गया, मार्जिनल प्रेजेंटेशन हो गया। अब बात करें कि होता क्या है, यहाँ जो स्टेटमेंट गिवन है, जो स्टेटमेंट हमें गिवन है उनकी बात करें, फॉर्म अ रिज अलॉन्ग वेंट्रल सूचर। तो वेंट्रल साइड जो सूचर प्रेजेंट है वहाँ पे एक रिज फॉर्म होगा और रिज फॉर्म होगा, उसके साथ साथ जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे, प्लेजेंटास होंगे, वो टू रोज में होंगे, एक रो इस साइड की होगी और एक रो इस साइड की होगी, क्लियर। इस तरह जो है यहाँ पे टू रोज फॉर्म करेंगे, क्लियर। और एग्जांपल बेस्ट हमारे पास है कौन सा, पी का एग्जांपल कौन सा है, पी का। तो इस तरह जो है हमारा क्या हो गया, मार्जिनल प्रेजेंटेशन हो गया, और मार्जिनल प्रेजेंटेशन जो है हमें देखने को मिला पी में, क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करें एक्सियल प्रेजेंटेशन की। एक्सियल प्रेजेंटेशन में आप देखोगे कि यहाँ पे जो प्लेजेंटास अटैच हुए हैं कहाँ पे हुए हैं, एक्सिस पे हुए हैं, ये रहा एक्सिस। अब इस एक्सिस पे हमें दिखाई पड़ रहे हैं, एक यहाँ पे प्रेजेंट है, एक यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, और एक से ज़्यादा प्रेजेंट है ओव्यूल, और जो है एक से ज़्यादा प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं ये भी कि ये जो है मल्टी लोकुलर ओवरी है, क्योंकि एक लोक्यूल के अंदर जो है
एक से ज़्यादा ओव्यूल प्रेजेंट है, एक से ज़्यादा ओव्यूल प्रेजेंट है, इसीलिए क्या बोलते हैं मल्टी लोकुलर ओवरी बोलते हैं। और अब स्टार्ट करें, जैसे यहाँ पे जो स्टेटमेंट गिवन है वो उसकी बात करें, एक्सियल ओव्यूल अटैच टू द मल्टी लोकुलर ओवरी। अब क्या करेंगे, जो मल्टी लोकुलर ओव्यूल हैं, ओवरी हैं, वहाँ पे ओव्यूल अटैच करेंगे। और ये अगर आपको देखना है तो सिंपली टोमेटो को जो है ट्रांसवर्सली कट करो आप, टोमेटो जो है ये लेमन है उसको ट्रांसवर्सली कट करोगे, लॉन्गिट्यूडली नहीं, ट्रांसवर्सली कट करोगे तो आपको ऑब्जर्व होगा सेम जो यहाँ पे अपीयरेंस शो हो रही है डायग्राम में, आप देख रहे हो एक्सियल प्लेसेंटा के सेम अपीयरेंस जो है वहाँ पे आपको मिलेगी। क्लियर? तो एकदम यहाँ पे जो है एग्जांपल जो है सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सियल प्लेसेंटा का एग्जांपल क्या हो गया, टोमेटो और लेमन हो गया। मार्जिन का भी हमने किसकी बात की, पी की बात की, तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ याद रखने वाले, एग्जाम्पल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये बात होगी हमारी किसकी, एक्सियल की होगी। अब नेक्स्ट हम बात करना स्टार्ट करें किसकी, पैरिटल की। नेक्स्ट हम स्टार्ट करें किसकी, पैरिटल की। पैरिटल वर्ड जो है उसका लिटरल मीनिंग क्या है, पेरिफेरी। पैरिटल वर्ड जो है उसका लिटरल मीनिंग क्या है, पेरिफेरी। तो जैसे यहाँ जो हमें दिखाई पड़ रहा है ओवरी दिखाई पड़ रही है, ओवरी यहाँ पे सर्कुलर है, सर्कुलर में ये जो पेरिफेरी रीजन प्रेजेंट है, पेरिफेरी रीजन प्रेजेंट है, यहीं पे हमारे जो है ओव्यूल्स फॉर्म होना स्टार्ट हो गए। तो अगर इस तरह पेरिफेरी में जो हमारे ओव्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, वहाँ पे अरेंज हो रहे हैं, तो हमारे पास जो प्रेजेंटेशन होगी वो कौन सी होगी, वो होगी हमारी जो है कौन सी, पैरिटल प्रेजेंटेशन होगा। अब यहाँ जो पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए उनकी बात करें, तो फर्स्ट डेवलप ऑन द इंटीरियर वॉल और पेरिफेरल पार्ट ऑफ ओवरी। तो फर्स्ट क्या होगा, इंटीरियर वॉल पे होगा, ये इंटीरियर वॉल हो गई, ठीक। उसके साथ साथ क्या होगा, अंदर नहीं होगा, पेरिफेरी में होगा। जैसे हमने किसकी बात की थी पीछे, लेमन की और टोमेटो की बात की थी, वहाँ पे हमने कहा यहाँ पे एक्सियल होगा, वहाँ पे ग्रो करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो है मस्टर्ड केस में, एग्रीमोन केस में जो है हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें मिल रहा है क्या, पेरिफेरल रीजन में। क्लियर? तो सेकेंड पॉइंट जैसे बात करें, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम वन चैम्बर्ड बिकम टू चैम्बर्ड। यहाँ पे क्या होगा, एक ही चैम्बर जो है लेटर ऑन क्या हो जाएगा, दो चैम्बर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हमें देखने को मिलता है कहाँ, एग्रीमोन और मस्टर्ड में। इस तरह हमारे पास फर्स्ट थ्री जो प्रेजेंटेशन है वो ख़त्म हो गया। फर्स्ट हमारा मार्जिन था जिसका एग्जांपल पी था, सेकंड हमारे पास जो है वो एक्सियल प्रेजेंटेशन था जिसका एग्जांपल हमारे पास टोमेटो और लेमन है। क्लियर? और अब हमारे पास जो है पैरिटल कंप्लीट हो गया, पैरिटल का एग्जाम जो है एग्रीमोन और जो है मस्टर्ड है। क्लियर? तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं, फ्री सेंट्रल मूव करते हैं। फ्री सेंट्रल जो है यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर डिवीज़न नहीं है, कोई सेप्टम वॉल प्रेजेंट नहीं है, कोई सेप्टम वॉल प्रेजेंट नहीं है, और एक से ज़्यादा ओव्यूल जो है सेंट्रल प्रेजेंट है। ये सेंट्रल पोर्शन हो गया, ये सेंट्रल पोर्शन हो गया, एक्सिस। और इसमें डिफरेंस क्या है, एक्सियल प्रेजेंटेशन में अगर इसे रिपीट में बैक जाऊँ अगर अभी यहाँ पे, तो आप एक्सियल में देखोगे वहाँ पे क्या, आपको यहाँ पे एक्सियल प्रेजेंटेशन में आपको यहाँ पे डिवीजन्स मिलते हैं, एक डिवीज़न ये मिल गया, एक डिवीज़न ये मिल गया, एक डिवीज़न ये मिल गया। क्लियर? तो हमने इसको क्या मान लिया, ये एक्सिस है जहाँ पे क्या ग्रो हो रहे हैं हमारे जो है ओव्यूल्स, यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, यहाँ फॉर्म हो रहे हैं। लेकिन अब यही हम बात करते हैं किस में, फ्री सेंट्रल में बात करते हैं। यहाँ पे फ्री सेंट्रल, यहाँ पे कोई सेप्टम प्रेजेंट नहीं है, बस यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भैया ओव्यूल ग्रो हो गए। ठीक? तो इस तरह हमें यहाँ पे सिक्स ओव्यूल दिख रहे हैं, सिक्स ओव्यूल दिख रहे हैं। तो हमें यहाँ जो फ्री सेंट्रल में क्या मिलेगा, जो भी हमारे ओव्यूल्स होंगे कहाँ होंगे, सेंट्रल एक्सिस पे बोर्न होंगे, वहीं कोई भी डिवाइडिंग वॉल नहीं प्रेजेंट होगी, सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा, कोई भी डिवाइडिंग वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा। और हमारा एग्जांपल क्या है, एग्जांपल हमारा डायंथस है और प्राइम रोज। प्राइम रोज और डायंथस जो हैं वो एग्जांपल किसके हो गए भैया, फ्री सेंट्रल के हो गए हैं। अब जो यहाँ पे हमारा फोर्थ कंप्लीट हो गया प्रेजेंटेशन टाइप, अब नेक्स्ट और लास्ट जो प्रेजेंटेशन टाइप बचा हुआ है वो हमारा है बेसल प्रेजेंटेशन। कौन सा, बेसल प्रेजेंटेशन। और बेसल जो है यहाँ पे इससे आया कि ये जो है बेस पे एसोसिएट है, कहाँ पे, बेस पे एसोसिएट है, इसलिए हमारा प्रेजेंटेशन कौन सा हो गया, ये बेसल हो गया। कौन सा, बेसल हो गया। डेवलपमेंट, डेवलप एट द बेस। तो ये दिख रहा है कि यहाँ जो बेस पोर्शन है यहाँ पे डेवलप हो गया, कौन, ओव्यूल डेवलप हो गया। सिंगल अटैच टू द बेस, अब जो है सिंगली होगा और अटैच होगा। और हमें मिले कहाँ, ये सनफ्लावर मिलेगा और मैरीगोल्ड में। कहाँ मिलेगा, सनफ्लावर मिलेगा और कहाँ मिलेगा, मैरीगोल्ड में मिलेगा हमें।
तो ये जो है चीज़ें होगी हमारा, और ये सिंपली हम जिनमें भी हमें सिंगल ओव्यूल सिंगल सीड मिलते हैं उनमें हमें ये मिलेगा टाइप, कौन सा, बेसल प्रेजेंटेशन। तो इस तरह जो हमारा फाइव टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन था वो कंप्लीट हो गया। अब फाइव टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन में हमारे पास था कौन कौन सा, मार्जिनल था, एक्सियल था और पेरिटल था, फ्री सेंट्रल और बेसल था। मार्जिनल में क्या हमने पढ़ा, मार्जिनल हमने पढ़ा कि सिंपली जो है जो ओव्यूल्स होंगे मार्जिनल पे मार्जिन्स पे होंगे और टू रोज में होंगे, एग्जांपल हमारे पास पी था। फिर हमने बात की एक्सियल के, एक्सियल में क्या हो? हमने कहा सेप्टम प्रेजेंट होगा, डिवाइडिंग वॉल प्रेजेंट होंगी, ओवरी मल्टीलॉकुलर होगी और जो है ओव्यूल्स जो होंगे एक्सिस पे, एक्सियल जो पोजिशन है वहाँ पे ये एक्सिस जो है वहाँ पे फॉर्म होंगे, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, एक्सियल प्रेजेंटेशन हो गया। एग्जांपल हमारे पास क्या था, टोमेटो, लेमन। अब नेक्स्ट हमने बात किया पेरिटल, पेरिटल वर्ड का लिटरल मीनिंग बताया कि क्या है, पेरिफेरल है, और पेरिफेरल का मतलब होगा कि वो कहाँ पे होगा, पेरिफेरी पे होगा, मीन्स आउटर बाउंड्री पे होगा। तो ऐसा देखने को हमें मिलता है एग्रीमोन और मस्टर्ड में देखने मिलता है कि जो है ओव्यूल्स जो हैं वो कहाँ पर अटैच है, इनर वॉल पे, पेरिफेरी पर अटैच है। फिर हमने कहा फ्री सेंट्रल क्या, फ्री सेंट्रल हमने बात की, हमने कहा एक्सियल और फ्री सेंट्रल में तो थोड़ा डायग्राम सेम हो रहा, बस डिफरेंस क्या है, वहाँ पे सेप्टम वॉल, सेप्टम प्रेजेंट था, डिवाइडिंग वॉल प्रेजेंट थी कहाँ पे, एक्सियल प्रेजेंटेशन में, बट यहाँ पे हमारे पास फ्री सेंट्रल है, यहाँ पे कोई भी डिवाइडिंग वॉल प्रेजेंट नहीं है, क्लियर। फिर लास्ट टॉपिक हमारा बचा वेसल, वेसल में क्या होगा कि यहाँ पे जो भी ओव्यूल्स होंगे सिंगल ही होंगे और वेसल रीजन में होंगे, सिंगल ही होंगे और वेसल रीजन में होंगे। तो इस तरह जो है हमारा जो प्रेजेंटेशन टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लोरल डायग्राम करना है, तो वो जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और यहाँ पे जो है हम प्रेजेंटेशन को कंक्लूड करते हैं, यहाँ पे प्रेजेंटेशन को कंक्लूड कर रहे हैं।